हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल माउ यूट्यूब हिंदी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यदि आप तत्काल टिकट बुकिंग करते वक्त यदि आप चाहते हैं कि आपका वेटिंग टिकट ना बुक हो, ओनली कंफर्म टिकट बुक हो, क्योंकि वेटिंग टिकट जब बुकिंग होता है तो उस टाइम पर आपका लॉस हो जाता है, उसको कैंसिल करने पर आपका कैंसिलेशन चार्ज चला जाता है। तो उसी को कैसे आप बचा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं तो पूरा इस वीडियो को वॉच करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो करना क्या है, आ जाना आपको IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन पर। इसमें मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका वेटिंग टिकट बुक होने का जो समस्या है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो पहले आपको करना क्या है कि मास्टर लिस्ट बना लेना है। तो मास्टर लिस्ट का बेनिफिट ये होता है कि नेम वगैरह ऑटोमेटिक ही पहले से ही आ जाता है। सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, तभी ये सारा प्रोसेस आप चेक कर पाएंगे और कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने अपना अकाउंट को लॉगिन कर दिया है, तो वेरीफाई यूजर हो रहा है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं। उसके बाद अकाउंट पर चलना है। अकाउंट पर आने के बाद आप मास्टर लिस्ट यहीं से ऐड कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। जितने भी 6 नाम है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मास्टर लिस्ट ऐड कर लेने का बेनिफिट यह है कि बुकिंग के टाइम पर ऑटोमेटिक नाम आपका शो हो जाएगा। लेकिन अब चलिए, हमारा मेन पॉइंट यह है कि कैसे हम वेटिंग टिकट बुक होने से बचें तत्काल टिकट बुकिंग करते वक्त। क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग करते वक्त यदि आपका टिकट्स नहीं मिला तो वेटिंग टिकट्स बुक हो जाते हैं, आपके अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो जाते हैं और आपको लास्ट में फिर उसको कैंसिल करना पड़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सर्च कर दिया और यहाँ पर हम कल का डेट ले लेते हैं और यहाँ कोटा पर हम तत्काल कोटा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सर्च ट्रेन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सर्च ट्रेन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से देखिएगा कि छोटा सा पॉइंट है, उसी पॉइंट को अभी आप ध्यान दे लेंगे तो आपको ये लॉस नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख पा रहे हैं यहाँ पर, हमने थर्ड AC पर क्लिक किया और पैसेंजर डिटेल पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप तत्काल टिकट बुकिंग होता है स्टार्टिंग, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले से ही सजेस्ट कर दे रहा है आपको यदि आप मास्टर लिस्ट पॉलिसी बना रखे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट पैसेंजर हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके। यहीं पर एक आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, जब आप 11 बजे के पहले ये सारा कुछ जब बुकिंग होने से पहले स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कन्फर्म बर्थ अलाटेड, उस पर आप टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन आ रहा है, जब वहाँ पर टिक कर देंगे तो आपको ओनली कन्फर्म बर्थ ही बुक होगा, अन्यथा बुकिंग नहीं होगा। ओनली आपका ट्रांजेक्शन चार्ज जाएगा, न कि वेटिंग टिकट कैंसिलेशन चार्ज जाएगा। एक तो यहाँ पर हो गया। दूसरा चीज़ ये है, जैसे आपने सारा कुछ फिलअप कर दिया, रिव्यू जर्नी डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक बार ये दोबारा से रिफ्रेश होता है और यहाँ पर करंट सीट दिखाता है कि बुकिंग अब जो हो रहा है वहाँ पर कितने नंबर वेटिंग वगैरह आ चुका है। तो एक ऑप्शन यहाँ पर जानने का है, अन्यथा आपको कन्फर्म बर्थ अलॉटेड पर टिक करना पड़ेगा। वो ऑप्शन तभी दिखाएगा आप बुकिंग होने से पहले एक बार ओपन, जैसे 11 बजे ठीक ओपन करते हैं तभी वो ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि बुकिंग हो जाने के बाद वहाँ से वो हट जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना बैलेंस बचा सकते हैं एक्स्ट्रा खर्च होने से। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? यदि टिकट बुकिंग से रिलेटेड कुछ और जानना है तो प्लीज़ कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तत्काल टिकट वगैरह बुकिंग कर रहे हैं तो। और तत्काल टिकट बुकिंग करते वक्त आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन जरूर ऑन कर दीजिए, उसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।